डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इस कोर्स का पहला लर्निंग आउटकम है टू अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स टू एनालाइज सोशल फ़िनिना हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स हैं वो कैसे सोशल फ़िनिना को एनालाइज़ करती हैं या क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च मेथड के से हम किस तरह कोई भी सोशल फिनमिना सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड uh, करते हैं उसको एनालाइज़ करते हैं और उसकी बेसिस पे हम uh, क्या सिंथेसाइज़ करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम ऑन्टोलॉजी एंड एपस्टमोलॉजी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च देखें कि सोशल साइंस रिसर्च में uh, कौन कौन से इंटोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी अपिटेमोलॉजिकल बिलीफ्स हैं फिर हम इस कोर्स में देखेंगे कि पॉजिटिविज्म और अदर एपिस्टेमोलॉजीज ऑफ सोशल साइंसेज में क्या फ़र्क है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो पॉजिटिविस्ट uh, एपिस्टेमोलॉजी और रियलिस्ट uh, ऑनटोलोजी के साथ हम पढ़ाते हैं या जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड की बात करते हैं तो ये uh, एक पॉजिटिविस्ट अपिटमोलोजी के साथ पढ़ाया जाता है फिर हम ये देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है क्या हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं उसको कैसे इनिशिएट करते हैं और किस तरह उसको लेकर चलते हैं और किस तरह उसके रिजल्ट्स को हम जो है एनालाइज करते हैं और किस तरह उसको डिसमिनेट करते हैं फिर हम इसमें देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से मेजर रिसर्च डिज़ाइंस हैं जिसमें हम बात करेंगे सर्वे रिसर्च के ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर कंटेंट एनालिसिस के ऊपर और मिक्स मेथड रिसर्च के ऊपर आपके इस कोर्स का दूसरा जो लर्निंग आउटकम होगा वो है डिफ्रेंश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मैथड्स के क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तफ हैं ऑन द बेस ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस ऑन देश ऑफ अ रिसर्च पर्पज इन दोनों के डाटा कलेक्शन मेथड्स कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से और इन दोनों की डाटा कलेक्शन टेक्निक्स किस तरह मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से और कैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो वेरिएबल है जब उसको मैर करते हैं ये आ, इसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च से और आ, एंड पे हम ये भी आ, इस पर बात करेंगे कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं तो वो किस आ, तरीके से किए जाते हैं और उसमें क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं और वो स्टैंडर्ड्स कैसे मुख्त हैं आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी से तीसरा लर्निंग uh, आउटकम इस कोर्स का है टू क्रिएट एक्वायर एंड मैनेज रिसर्च डाटा सेट यूजिंग आ स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस इसको हम एस भी कहते हैं यूं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसके जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए उसको एनालाइज किया जा सकता है जैसे हम इसका एनालिसिस एक्सेल पे भी कर सकते हैं इसका एनालिसिस स्मार्ट पीएलएस पे भी कर सकते हैं स्टेटा पे भी कर सकते हैं इकानैट्रिक्स पे भी कर सकते हैं आर पे भी कर सकते हैं मगर सोशल साइंस में जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है डाटा एनालिसिस के लिए वो एस पी एस एस है जिसको हम स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस कहते हैं इस सॉफ्टवेयर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की वजह यह है कि ये एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इसमें आपको जो है डिफरेंट कमांड्स जो है वो जो है यूज़र इंटरफेस में दी होती हैं आपको बहुत सारी स्टेटस्टिकल इक्वेशंस को याद नहीं करना पड़ता बहुत सारे स्टेटिस्टिकल इक्वेशंस को लिखना नहीं पड़ता अगर आप जानते हैं कि कौन सा टेस्ट और कौन सी कमांड कब इस्तेमाल होनी है तो ये आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए इस कोर्स में हम इस सॉफ्टवेयर के मतलब सीखेंगे कि डेटा इंट्री कैसे होती है डेटा एडिटिंग कैसे होती है यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है और बाईवेरिएट एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है बाई वेरिएट में हम देखेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्टिंग कैसे की जाती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग कैसे की जाती है और फिर हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस की भी बात करेंगे कि जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है वो एस पी एस एस में कैसे किया जाता है और इसमें जो लास्ट लर्निंग आउटकम है वो है टू हेल्प द स्टूडेंट हाउ टू राइट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर रिसर्च प्रोसेस मुख्तलिफ है इसका मजरिंग का वे मुख्तलिफ है इसका एनालिसिस का वे मुख्तलिफ है क्वालिटेटिव रिसर्च से तो इसका राइटअप का स्टाइल भी डिफरेंट है तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें कि राइटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं क्वान्टिटेटिव रिसर्च के और जब हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसका एब्सट्रेक्ट कैसे लिखा जाता है और कोांटिटेटिव रिसर्च में इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू और मैथडोलॉजी कैसे लिखी जाती है और रिजल्ट्स को कैसे समराइज किया जाता है और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को किस तरह लिखा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में